हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो A59 5G डिवाइस के अंदर आप कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग से होता है आप अपने इनकमिंग कॉल को किसी दूसरे नंबर पे ट्रांसफर कर सकते हैं या दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो आपकी इनकमिंग कॉल है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगी, वहां से भी रिसीव करके आप बात कर पाएंगे। ऐसा चीज आप अपने कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग से कर पाएंगे। तो आप इस सेटिंग को कैसे इनेबल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे अपने इनकमिंग कॉल को किसी दूसरे नंबर पे भेजेंगे और वहां से रिसीव होगा, ये चीज यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग करना है। उसके लिए आपको अपने फोन डायलर को ओपन करना है। तो हम यहां पे अपने फोन डायलर को ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारा फोन डायलर है यहां पे वो ओपन हो जाता है और ऊपर में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कॉलिंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑपरेटर रिलेटेड सेटिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे SIM1 SIM2 का ऑप्शन आता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको चॉइस करना है कौन से नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग करना है। जिस नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग करना है उस सिम को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे SIM1 की कॉल फॉरवर्डिंग करेंगे और SIM1 पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे वॉइस कॉल वीडियो कॉल यहाँ पे दो ऑप्शन आता है। अगर आपको वॉइस कॉल ट्रांसफर करना है या वीडियो कॉल ट्रांसफर करना है, ये चीज यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। तो हम यहाँ पे वॉइस कॉल करेंगे और जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे रीडिंग कर रहा है, रीडिंग सेटिंग यहाँ पे आ रहा है, मतलब जो सेटिंग यहाँ पे शो हो रहा है, और इस तरह से आपके फोन में जो सेटिंग यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑलवेज फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, ये वाले बटन को आपको इनेबल करना है, और यहाँ पे आपको नंबर टाइप करने को आ जाएगा। तो आपको जिस नंबर पे अपने इनकमिंग कॉल को भेजना है उस नंबर को यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। जो दूसरा नंबर है आपका उसको यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो जिस तरह से आप कुछ इस तरह से आपको नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, ओके कर देना है। अगर आपका नंबर आपके सेव कॉन्टेक्ट में है तो आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक करना है और अपने सेव कॉन्टेक्ट से नंबर को ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ पे किसी एक नंबर को ऐड करेंगे। तो जैसे इस नंबर को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, अब ये नंबर यहाँ पे ऐड हो जाता है, हम इसको यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपडेटिंग कर रहा है, जो हमारी कॉल है यहाँ पे फॉरवर्ड हो चुका है, यहाँ पे भी जो हमारा नंबर है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे आ रहा फॉरवर्डिंग ऑल कॉल्स, अब जो हमारी इनकमिंग कॉल है वो दूसरे नंबर पे आएगा, हमारे पास नहीं आएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग कॉल फॉरवर्डिंग कर लेते हैं लेकिन इसको बंद नहीं कर पाते, इससे काफ़ी प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि जो आपकी इनकमिंग कॉल है दूसरे नंबर पे आएगा, इसको बंद करना भी ज़रूरी होता है। इसको बंद करने के लिए इस तरह से आपको अपने सेटिंग को इनेबल करना है और फिर से ये बटन को आपको ऑफ कर देना है। जैसे आप इसको ऑफ करेंगे जो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग है यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इस तरह से अपने कॉल फॉरवर्डिंग को आप बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग करके अपने इनकमिंग कॉल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।